दोस्तों आज की ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आप अगर अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं और पैसे रखने के साथ साथ अगर आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे या फिर पेटीएम वगैरह जितने भी वॉलेट यूज करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हैकर्स लोग आपके फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे जितने भी है सबको हैक करके आपका पूरा बैलेंस निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं पड़ता है। और ये भी बताऊंगा कि आप इन चोरों से बच कैसे सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको वॉलेट की रियलिटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेकी बाय। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपने अगर अपने बैंक अकाउंट में जाकर या फिर यूपीआई इनेबल कराया हुआ है या फिर आपने गूगल पे के थ्रू आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं अदर पर्सन को, तो क्या आपको पता है ये इतने सिक्योर ऐप नहीं है। आप कहेंगे कैसे नहीं है, गूगल की सिक्योरिटी है, हमारे तो इतने बढ़िया है, गूगल पे है। तो मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपने देखा होगा पहले के ज़मानों में या फिर कह सकते पहले के ज़माने नहीं, अभी 2 से 3 साल पहले ही आपको स्कैमर्स कैसे फ्रॉड बनाते थे, आपको कॉल आती थी आपके फ़ोन पे, आपसे ये पूछा जाता था आपका क्रेडिट कार्ड नंबर बता दीजिए, आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया उसे चालू करना है। या तो अपन कहते थे क्रेडिट कार्ड नंबर, या तो वो कहते थे हमारा वो एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं हम उसे, वो बता दीजिए हमें। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड नंबर भी होता था, फिर सीवी भी बता दीजिए, फिर हम एक मैसेज भेजेंगे आपके उस पे, तो ओटीपी भी बता दीजिए, हम सब पूरा बैंक अकाउंट उड़ा देंगे। लेकिन बात ये आती है कि गूगल की सिक्योरिटी, इवन हम कह सकते हैं कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो भी गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह सब यूज करते हैं, तो वो कैसे हैक हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हैक होने का मेन कारण होता है फिशिंग अटैक। अब ये फिशिंग अटैक क्या होता है, फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जो किसी अदर पर्सन आपके डेटा को आपकी बिना परमिशन के अलावा एक्सेस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम, आपकी फोटोज वगैरह सब एक्सेस कर लेना हैकर्स के थ्रू आपकी परमिशन के अलावा, उसे हम कहते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, वो वाला फिशिंग अटैक नहीं है कि आपने मछली पकड़ ली, ठीक है ना भाई। अब आप बात कर लेते हैं ये हैक कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर पेटीएम में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो पेटीएम में आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होगा और वो मोबाइल नंबर आप किसी ऐसी साइट पर जाते रजिस्टर कर लेते हैं, आपने किसी कहीं पे ब्लॉक पड़ा वहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया, लॉगिन कर लिए, तो वो ऐसी कुछ ऐसी फ्रॉड साइट होती है, वो आपको मैसेज भेजती है ऐसा दिखाकर कि ये पेटीएम के थ्रू ही मैसेज है, लेकिन ऐसा अपनी कोडिंग के थ्रू एडवांस बनाकर उसे ऐसा सजा धजा कर भेजती है, लिंक भेजती है आपके पास में कि आप इसके थ्रू हमें पेमेंट कर दीजिए इतनी 10 रुपये या 15 रुपये, बस एक बार उसमें पेमेंट तो कर दीजिए। आप जैसे ही लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे आप उनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके बॉट्स होंगे, वो अपनी वेबसाइट पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के रखते हैं, क्या रखते हैं, वो आपका पासवर्ड यूजर नेम ले लेंगे और आपका अकाउंट साफ। मतलब यही है कि वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड लेकर और कहीं लॉगिन कर आपके पेटीएम से अकाउंट से पैसे उठाकर अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब ये बात करता हूँ फोन पे या गूगल पे कैसे होता है। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल आपने किसी दुकान पे कर दिया, मान लीजिए क्यूआर कोड के थ्रू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई कंपनी या फिर आप किसी वेबसाइट पे अगर वहाँ पर आपने रजिस्टर कर लिया और वो वेबसाइट कहती है आप हमें गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रॉड वेबसाइट है, आपको ये पता नहीं। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है जो कि फ्रॉड बनी हुई है और आपने वहाँ पर जाकर वो पेमेंट कर दी, जैसे ही आपने 10 रुपए वहां पर पेमेंट की तो आपका गूगल पे या फोन पे यूपीआई पिन मांगता है, तो आपने जैसे ही वो यूपीआई पिन दिया तो आपके फोन में एक अलाउ का ऑप्शन आएगा। अलाउ का मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं अपने फोन को, जैसे ही आपने वहां अलाउ कर दिया आपके फोन के यूपीआई पिन पे जो आपने टच करके उसे दबा रहे हैं, तो आपने अगर वो दबा दिया तो वो जो आपने यूपीआई पिन पे दबाया है ना ऐसे ऐसे, तो उसे पिन पता पड़ जाएगा वेबसाइट को और आपकी यूपीआई आईडी से पिन एक्सेस करके वो कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, इवन जीरो खाता भी कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट का। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अब मैं बात करता हूँ आपको बचना कैसे है इनसे। इनसे बचने के लिए कुछ सिंपल से टिप्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कहीं से शॉपिंग की और आपको एक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट आ रही है, फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग FLIPKART होती है, ठीक है ना भाई, तो कहीं भी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपको कई सारी वेबसाइट में दिख जाएंगी, तो आपको पहले पर्टिकुलर स्पेलिंग चेक कर लीजिए वो वेबसाइट की स्पेलिंग सही है या नहीं। और आपको सही वेबसाइट पर जाना है तो आप गूगल पे लिख दीजिए फ्लिपकार्ट, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। लेकिन आप लोगों के थ्रू मैसेज के थ्रू जाते हैं अगर आप किसी वेबसाइट पर, या फिर आपकी ईमेल के थ्रू जाते हैं, या फिर वेबसाइट अपने व्हाट्सएप की लिंक के थ्रू जाते हैं, तो आप वहाँ स्कैम में भी फंस सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग भी आपको फेक वेबसाइट के मैसेज या फिर लिंक वगैरह भेज देते हैं जिससे आप
आप वहां पर अपना पैसा फंसा देंगे और इवन आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो एक चीज ये है कि कभी भी आपके पास जो भी मेल आए वहां पर आपको किसी के भी थ्रू वहां से पेमेंट नहीं करनी है, दूसरी चीज व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट नहीं करनी है, तीसरी चीज आपके मैसेंजर के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू आपको कभी भी पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप ये तीन गलती नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई भी आपके अकाउंट को हैक करने वाला है। और मैं गूगल पे फोनपे के ऊपर भी एक कमाल की वीडियो लेके आने वाला हूँ कैसे ये सिक्योर नहीं है ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ये तीन कारण थे जिसके जरिए आपका फोनपे गूगल पे या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा सकता है। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कैसे हैकर्स आपके फोन को हैक कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, तो आपको इसे कैसे बचना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बताऊँ कमेंट से कैसी लगी आपको ये वीडियो, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा इस वीडियो में ये भी बताऊँ कमेंट से। और अगर आपको ऐसी ही जेन्युइन टेक वीडियोज देखनी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखनी है, तो आप टेकी बाय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि चैनल पर रोजाना टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।